पूर्वरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालिविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि भवं भवानी सहतं नमामि कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालिविन्दे भवं वाणी सहतं नमामि। नमस्कार दोस्तों, वाक फिजिक्स माय डॉक्टर निशांत बोर्ड में आपका स्वागत है। और हम एक फिर आज नया लेक्चर लेके आए हैं क्लास 11th के, जो न्यूमेरिकल्स हमारी चल रही थी डायमेंशन एनालिसिस पर, उसी का ही आपका आगे का पार्ट है न्यूमेरिकल ऑन डायमेंशन एनालिसिस। और अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझने के लिए अंत तक जरूर देखें आप लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द डायमेंशन एनालिसिस। पहला आप न्यूमेरिकल, बहुत दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल है आपका इन वैन डेर वाल इक्वेशन। वैन डेर वाल इक्वेशन क्या है? पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। What are the dimension of A and B? Here P is the pressure, V is the volume, T is the temperature and R is the gas constant. ठीक है, तो ये सिंपल का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और इक्वेशन को लिख लिया फिर दोबारा आगे P प्लस A ओवर V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू आर टी। यहाँ पर हमने क्या करा है, जो पहला टर्म है हमारा जो P प्लस A ओवर V स्क्वायर है, उसको में से a ओवर b स्क्वायर ले लिया है, और वो किसके बराबर होगा? आपके p के बराबर। प्रेशर कैन बी एडेड ओनली टू प्रेशर, प्रेशर को केवल प्रेशर के साथ ही एडेड जोड़ा जा सकता है। तो a ओवर b स्क्वायर रिप्रेजेंट्स a प्रेशर, a ओवर b स्क्वायर जो है वो भी एक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर होगा। तो यहां पर हमने a ओवर b स्क्वायर इक्वल टू p, तो स्मॉल a जिसके हमें बीमा निकालनी है, किसकी डायमेंशन निकालनी है, यहाँ पर स्मॉल a एंड स्मॉल b की डायमेंशन निकालनी है। तो यहां से आपका जाएगा स्मॉल a इक्वल टू पी वी स्क्वायर, यहां से p का डायमेंशन लगा दीजिए m l माइनस वन t माइनस टू, और b का हो जाएगा वॉल्यूम का एल क्यू का पावर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m वन एल फाइव t माइनस टू, तो ये स्मॉल a की डायमेंशन आपकी आ जाएगी। ऐसे ही स्मॉल b की निकालेंगे, स्मॉल b किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम के सीधे सीधे क्या एल क्यू है, तो ये हो जाएगा आपका m0, l3 और t0। तो एल क्यू इसका डायमेंशन हो गया, तो a और b दोनों का हार डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन लेंथ l ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन t इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस ड्राइव द फॉर्मूला फॉर न्यू। न्यू के लिए फॉर्मूला निकलवाता है, ठीक है। तो क्या करें, लेट अस सपोज न्यू इक्वल टू के एल टी पावर बी और एम सी। तो यहाँ न्यू बराबर के एल पावर ए टी पावर बी एम पावर सी, ये हमने मान लिया सपोज लेट करके इक्वेशन एक डाल दिया है। से न्यू फ्रीक्वेंसी है, के कांस्टेंट है, एल क्या है आपका लेंथ है और स्ट्रिंग का, और टी टेंशन है और एम मास है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहां पर m बराबर हम जानते हैं क्या होता है, m इक्वल टू मास ओवर लेंथ, सो m ओवर l। तो यहां पर हम डायमेंशन लिख लेंगे इसका m1 l माइनस वन, तो ये हमारा स्मॉल m का वैल्यू हो गया m1 l माइनस वन, राइटिंग द डायमेंशन इन इक्वेशन वन, ठीक है। अब डिमेंशन राइट इक्वेशन एक को डायमेंशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, देखिए इक्वेशन वन कहां है, ये वाली है। तो ये फ्रीक्वेंसी है m0 l0 t माइनस वन, ये इक्वेशन इधर का हो गया। देन सेकेंड साइड का एल ए, ठीक है, एल ए लेंथ पर ए आ गया, टी टेंशन फोर्स का हो गया, एम वन एल वन टी माइनस टू पर स्मॉल बी आ गया, ठीक है। ऐसे ही मास का पर मास पर यूनिट लेंथ कितना आया था, एम वन एल माइनस वन, तो उस पर सी आ गया। इनको लिख दिया सिंप्लीफाई करके, एल पे पावर ए एम पे पावर बी एल पे पावर बी टी माइनस टू बी एम सी और एल माइनस सी। देन इसके इक्वेशन बना दिए, तो क्या जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन इक्वल टू एम बी प्लस सी, और एल पे पावर ए प्लस बी माइनस सी और टी पावर माइनस टू बी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की जो होमोजेनिसिटी की प्रिंसिपल है वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन पर, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है।
तो इसको लगाने के बाद हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी, सिंपल इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी कहाँ है, ये बी प्लस सी एम का किसके अलावा जीरो, बी प्लस सी इजकल टू जीरो, ये इक्वेशन टू आ गया हमारा। ऐसे नेक्स्ट देखिए ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इजकल टू कितना है, एल की पावर जीरो, तो ए प्लस बी माइनस सी इजकल टू जीरो, तो ये इक्वेशन थ्री आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन वन आ गया, इक्वेशन टू आ गया, इक्वेशन थ्री आ गया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन टू को ले लिया है, फ्रॉम माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन और बी इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, तो यहां से हम ये इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू सी बराबर कितना हो गया माइनस बी, सी बराबर कितना हो गया माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, बी का वैल्यू कितना है वन बाई टू, तो यहां पर लगा दिया, तो सी की वैल्यू कितना होगी माइनस वन बाई टू, ए प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब ये इक्वेशन तीन को ले लिया, इक्वेशन तीन क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस वन बाई टू माइनस यहाँ पे वैल्यू लगा दिया बी का माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू आ गया माइनस वन, ए का वैल्यू आ गया माइनस वन, बी का वैल्यू आ गया वन बाई टू और सी का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई टू। तो ये सभी वैल्यूज ए बी सी की तीनों वैल्यूज आप किसमें लगा दें, इक्वेशन वन में लगा दें। इक्वेशन वन कहा है, डी बराबर के एल पे पावर ए, ए के पावर माइनस वन, टी पे पावर बी, टी पी पावर बी कितना है, बी का वैल्यू वन बाई टू और एम का पावर है सी, एम का पावर सी, सी का वैल्यू कितना है माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे लगा दिया, आपने पुट कर दिया, तो न्यू बराबर ये इक्वेशन बन जाएगी। देन फाइनल जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है या रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, न्यू बराबर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, न्यू इक्वल टू के ओवर एल अंडर रूट टी ओवर एम। ठीक है, तो ये हमारे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसको ध्यान से आप करिएगा और अच्छी तरह आप इसको समझ लीजिएगा, और जो भी आपको कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वार फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौड़, और इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें, और आप नेक्स्ट लेक्चर हम फिर लेके आएंगे आपका क्लास 11th के लिए चैप्टर 2 का। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।